Hi friends, this is Vidya Sagar and I am a civil engineer student right now studying in this college. This college is Government Polytechnic College. हम लोग की बिल्डिंग अभी बनी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग का क्लास शिफ्ट यहाँ हुआ है और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग बने रहें और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे क्लासेस कहाँ चल रहे हैं और प्रिंसिपल का क्वार्टर और बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। फॉलो मी गाइज। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये रहा हमारा गेट और ये रहे यहाँ के हमारे गार्ड साहब। ठीक है ये यहाँ के गार्ड साहब। कैसे हैं गार्ड साहब आप? ठीक है। देखिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल शर्मा हुआ। अच्छा कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं। मतलब घर कहाँ है आपका? घर है मेरा यहीं खनवा। खनवा ही घर है। चलिए ये खनवा के ही है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा फ्रेंड है शुभम शंकर या और वो रहा उसका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल क्वार्टर है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाने का अलाउ शायद हो। देखिए ये प्रिंसिपल क्वार्टर है। आप देख सकते हैं हम लोग को अंदर जाना अलाउ नहीं है, नहीं तो वरना मैं आपको अंदर भी दिखा देता। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत है प्रिंसिपल क्वार्टर। इधर अरे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं यानी कि प्लांटेशन किए जा रहे हैं। ओके चलिए आगे दिखाते हैं हम। आप देख रहे हैं ये गर्ल्स हॉस्टल है। वो देखिए उस पर लिखा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गर्ल्स हॉस्टल है। जब इतना बड़ा गर्ल्स हॉस्टल है तो सोचिए बॉयज हॉस्टल कितना बड़ा होगा। आपको दिखाते हैं ये आप जो देख रहे हैं ये सब पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये गर्ल्स हॉस्टल है। आप देखिए कितना बड़ा है। ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें हम लोग की क्लास चलती है। ये गर्ल्स हॉस्टल है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। इधर में भी प्लांटेशन किया जा रहा है और वहाँ पे देखिए एक ओपन एयर थिएटर भी है। उसमें लॉक लगा हुआ है अंदर नहीं जा सकते हम लोग, वरना मैं आपको अंदर जाकर भी दिखा देता। देखिए ओपन एयर थिएटर है ये, इसमें फंक्शन वगैरह होता है। ओके तो चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये हमारे क्या नाम था इसका? जाकिर हुसैन। मैं इसका नाम बार बार भूल जाता हूँ। इधर में बायोमेट्रिक बोलते ना इसको। ये प्रेजेंटेशन है पॉलिटेक्निक वालों के लिए। इधर मेरे बैठने के लिए यहाँ पे नोटिस बोर्ड है और इधर देखिए प्राचार्य कक्ष है। इधर में कॉन्फ्रेंस वाले ये अंदर तो ताला लगा हुआ है मैं नहीं दिखा सकता। परीक्षा शाखा कार्यालय है। चलिए मैं आपको अपने क्लासेस में ले चलता हूँ। अभी हम लोग अपने क्लासरूम में जा रहे हैं। ये हम लोग का पुस्तकालय है रूम नंबर 206 बट अभी ताला लगा हुआ है और मैं अंदर नहीं जा सकता। चलिए आप क्लासेस में चलता हूँ। या दिस इज आवर क्लासरूम। यू कैन सी फैन ऑन कर देना भाई बहुत गर्मी है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर क्लासरूम है। बेंचेज यहाँ की बहुत अच्छी हैं, बैठने में आरामदायक है। बहुत काफ़ी बड़ा है क्लासरूम है और पूरा एकदम देख रहे हैं।
दोस्त लोग मस्ती कर रहे हैं. व्हाट हैपेंड ब्रो? तो मैं आपको अपने हॉस्टल दिखाऊंगा. हम लोग का हॉस्टल उस तरफ है. मैं आपको ले चलता हूँ. यहाँ से कुछ दिख रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है वो क्या लिखा हुआ रखा है. देखिए लेक्चरर्स क्वार्टर, वो लेक्चरर क्वार्टर्स है. आपको यहाँ से दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे से. तो चलिए चलते हैं हम लोग के हॉस्टल में. आप लोग ने हमारा क्लास देखा, चलिए मैं आपको अब हॉस्टल दिखाता हूँ. हम लोग का हॉस्टल भी काफ़ी है, सब कुछ न्यू हैंड है, सब कुछ नया नया है. हम लोग का हॉस्टल इस तरफ है. हम लोग हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं और पढ़ने के लिए हम लोग इसमें आते हैं, इस बिल्डिंग में. ये पढ़ने वाला ब्लॉक है. यहाँ पर, यहाँ के आसपास का भी मौसम बहुत अच्छा है. मैं आपको हॉस्टल के छत से दिखाऊंगा. आज क्लास हम लोग का बंद हो गया, तो कितने लोग घर जा रहे हैं आप देख सकते हैं, आगे में आ रहे होंगे. देखिए कुछ बच्चे घर जा रहे हैं क्योंकि आज क्लासेस बंद हो गई हैं, तो कुछ लोग घर को निकल रहे हैं. वहाँ वर्कशॉप भी है, वर्कशॉप ब्लॉक उधर है, आप देख सकते हो. हम लोग का कैंटीन है इधर. कैंटीन में काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, साफ़ सुथरा मिलता है, टाइम पे मिलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है. ये देखिए ये कैफेटेरिया है, कैंटीन हम लोग का है. तो चलिए कैंटीन के अंदर चलते हैं. तो ये हम लोग का कैफेटेरिया है, बोले तो कैंटीन, और हम लोग अंदर चलते हैं. अभी तो कोई खा नहीं रहे होंगे क्योंकि छुट्टी होंगे तो सब चले गए हैं. यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है. नया नया ही खुला है अभी, उतना अच्छा से व्यवस्था नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा खाना मिलता है. देखिए अभी पूरी व्यवस्था अच्छे से नहीं की गई, लेकिन अभी जो भी व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है. कम टाइम में अभी हम लोग नया नया ही शिफ्ट हुए हैं, तो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे सब कुछ होता जाएगा. तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने हॉस्टल की ओर. वो रहा हॉस्टल हम लोग का, जो लोग आ रहे हैं निकल रहे हैं. हम लोग हॉस्टल की तरफ चलते हैं. हॉस्टल ब्लॉक वन और ब्लॉक टू है. हम लोग को एक ही ब्लॉक दिया जाएगा, आई मीन एक ही फ्लोर, क्योंकि ये कॉलेज हम लोग का है नहीं और ये कॉलेज है पॉलिटेक्निक का, तो उन लोग को ज़्यादा वो दिया जा रहा है क्योंकि जिन्हें जिनका ये कॉलेज, उनको ये हक मिलना चाहिए, है ना. तो चलिए चलते हैं. एक ही दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक, दोनों ब्लॉक अंदर से कमांड ऐसे लिखा गया ब्लॉक टू, बहुत ही अच्छा रूम है. तो आइए मैं दिखाता हूँ. हम लोग का रास्ता इधर से भी है ब्लॉक, उसमें स्टडी ब्लॉक में जाने का, जिसमें पढ़ाई होता है, एकेडमिक ब्लॉक. तो चलिए चलते हैं अब ऊपर. मैं आपको अपने रूम दिखा रहा हूँ. देखिए इधर से साइकिल ले जाने के लिए, कौन सा चार कराने के लिए, अब या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं उसको, जो समर्थ है चलने में से भी चल रहे हैं, वो इससे आ सकते हैं, इसलिए बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है. चलिए आइए मेरे साथ. और ये देखिए हम लोग का ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पे दो सीढ़ियां, ये स्टाफ रूम है. देखिए देख सकते हैं भोजनालय को दिखा दीजिए. आइए मैं भोजनालय दिखाता हूँ. हॉस्टल में भोजनालय, वो तो कैंटीन है ना, हम लोग का भोजनालय है. ये देखिए काफ़ी बड़ा है, अभी नया नया है तो किसी भी व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन कितना बड़ा है. हम लोग को दिया जाएगा हॉस्टल में खाना, अभी तो फिलहाल एक साल यहाँ किसी तरह से रहना है क्योंकि अभी हम लोग का कॉलेज बना तो है नहीं, है ना, इसलिए इसमें खा सकते हैं. जो यहाँ के लोग रहते हैं, जैसे कि गार्ड वार्ड रहते हैं ना, ये सब स्टाफ वगैरह, यू नो दे लिव हियर, लुक सम इक्विपमेंट्स जा रहे हैं. तो चलिए चलते हैं, अब मैं आपको हॉस्टल दिखाता हूँ. ये सब हॉस्टल के अंदर में, चलो चलो भाई. हम लोग का ऊपर जाने का रास्ता है, तीन सीढ़ियाँ, एक ब्रिज से है, दोनों साइड से.
ये हम लोग का फ्लोर है थर्ड फ्लोर। हर फ्लोर में ज़्यादा कुछ हमको नहीं मिला गया है, जितना में एडजस्ट हो जाएंगे उतना ही में रहना है। और यहाँ पर 308 ये हम लोग का रूम है। और अभी फिलहाल तो जैसे कैसे रह रहे हैं वो देखिए, उधर वाला मेरा बेड है और इस तरफ का शुभम शंकर का है। और नाम क्या है? जाकिर। मैं इसको बार बार नाम भूल जाता हूँ, जाकिर हुसैन। इधर का बाथरूम वगैरह भी हम लोग कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सेकंड और वो देखिए, वो भी इसी तरह से बना हुआ है, दो जैसे इस तरह बना हुआ है वैसे उस तरह बना हुआ है, जस्ट अपोजिट मेयर की तरह। ब्लॉक ए भी दोनों एक जैसे ही हैं। तो चलिए मैं आपको छत पे ले चलता हूँ और आसपास के नज़ारे देखता हूँ। देखिए बच्चे किस तरह से गाय से खेल रहे हैं वहाँ। तो अब हम लोग छत पे जा रहे हैं, जाकिर हुसैन जी हम लोग के छत पे ले जा रहे हैं। किस तरफ से रास्ता है भाई जाकिर हुसैन? तो इन दिस वे वी हैव टू गो ऑन द फ्लोर, टॉप ऑफ द फ्लोर। ओके, तो हम लोग छत पे पहुंच गए हैं, इसके बाद कोई ऊपर जाने का रास्ता नहीं। अब छत पे आ गए हैं, आगे दिखाता हूँ। ये खुला छत है, काफी बड़ा छत है, काफी बड़ा एरिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आसपास का नजारा एकदम कमाल है, एकदम देखने लायक है। दोनों टैंकी भी बने हुए हैं पानी के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ नजारे। आइए सबसे पहले मैं इस तरफ से आपको ले चलता हूँ, मैं चारों कोने से दिखाऊंगा आसपास का दृश्य। ये देखिए काफी हैवी मोटर लगा हुआ यहाँ पर। ये देखिए क्या नजारा है, मैं जूम कर कर दिखाता हूँ थोड़ा। देखिए वहाँ पे पहाड़ वहाड़ हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य है। आसपास चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, आप देख सकते हो। और वो देखिए वहाँ पे तो पहाड़ में बादल है, शायद आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे सामने। आइए आगे की ओर मैं ले चलता हूँ। काफी कुत्ते भी हैं इधर। ओह, एक सुअर है जिसको चार कुत्ते मिलके परेशान कर रहे हैं। ये इधर देखिए, इधर ग्राउंड है, ठीक है। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ। मुझे यहाँ दिख रहा है बादल है जो पहाड़ पे हैं, क्योंकि काफी नीचे हैं। मैं जूम कर कर दिखाने की कोशिश करूंगा, आई होप आपको दिखे। उधर वीडियो कॉलिंग चल रहा है। देखिए वो देखिए, यहाँ से शायद दिखे। देखिए पहाड़ पे बादल है, आप देख सकते हैं, इसमें दिख रहा होगा पहाड़ पे बादल है। इधर एकदम दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ है। अब देखिए कितना अच्छा दृश्य है। यहाँ पे पावर ग्रिड भी पास ही में वो रहा, जो टावर आप देख रहे होंगे दो थो खड़ा।
हम कॉलेज की खूबसूरती नज़ारे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।